हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं एक नया वीडियो आपके सामने लेकर। इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंपल बोर्ड का कनेक्शन। इस बोर्ड में 4 5 पिन सॉकेट और 4 2 पिन सॉकेट लगा है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे बिना स्विच का कनेक्शन, इसमें एक भी स्विच नहीं लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम कनेक्शन करते हैं। जब तक हम कनेक्शन करते हैं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो नए हो चैनल पर उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर दबाकर कॉल पर सेट कर लें, क्योंकि हमारा हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो ठीक है, कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन करने में हम 0.75 तार का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयोग करेंगे इसका 22 नंबर तार का। इसका कनेक्शन करने में, क्योंकि डायरेक्ट हमें लाइन का कनेक्शन करना है, स्विच से नहीं करना है, इसलिए हम इस तार का प्रयोग करेंगे। इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसके पास बाईस नंबर तार नहीं है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ठीक है, अब कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जब कनेक्शन कर रहे थे तो आपको ठीक से दिखा नहीं होगा, तो आप दिखाते हैं। हमें 22 नंबर तार से जो कि हम कनेक्शन किए हैं, उसमें से आप 2 पिन से शुरू करेंगे, तो फिर एक 5 पिन छोड़कर, एक 5 पिन के एक पॉइंट को छोड़कर दूसरे पॉइंट पर, फिर उसके बाद मतलब कि हर में 2 पिन और 5 पिन में एक एक पॉइंट पर आपको कनेक्शन देना है, एक छोड़ो एक पर देना है। और ये बीच में हम स्लीविंग पाइप का प्रयोग किए हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट न करें। इस पॉइंट से इस तार में शॉर्टिंग ना हो, इसलिए हम स्लीविंग का प्रयोग किए हैं। देख लीजिए, सब में इसी प्रकार किए हैं। अब हमारा ये एक तरफ का कनेक्शन हो गया है, अब बचा है दूसरी तरफ का, जो इससे होकर इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, और फिर इसमें जाएगा, फिर लास्ट में इसमें आएगा। बस आपका कनेक्शन हो गया, समझिए। तो करते हैं। Thank you.
ठीक है दोस्तों, तो हमारा दूसरा भी कनेक्शन हो गया है, इसमें 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 और फिर इसमें 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 बस। तो ये कनेक्शन एकदम हमारा कनेक्शन करने का मतलब ये है कि हमारा ये दोनों पॉइंट का तार जो है कहीं आपस में मिलने ना पाए, आपस में मिल गया तो स्टार्टिंग हो जाएगी। कनेक्शन करने करते समय ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें 0.75 लगाकर इसका लीड निकाल देंगे बाहर लाइन कनेक्शन के लिए। फ्रेंड्स, हमारा ये सिंपल बोर्ड का कनेक्शन हो गया है। तो अब हम इसको चेक करेंगे सही है कि नहीं। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चेक करेंगे इसको सीरीज में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बोर्ड तैयार है एकदम बनकर, ये सीरीज में एकदम सही बता रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये डायरेक्ट करंट बिना स्विच वाला बोर्ड तैयार है। सीरीज बोर्ड कनेक्शन के बारे में जिसको जानना हो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उस पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं सीरीज बोर्ड कैसे बनाया जाता है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Goodbye.